नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। जहांगीरपुरी के दंगों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिन्होंने खड़े किए कई सवाल। मनोज तिवारी ने कहा कि जहांगीरपुरी में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसका मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भी मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन ही था। क्या आम आदमी पार्टी दंगों की फैक्ट्री चला रही है? CAA और NRC के विरोध के तौर पर विभिन्न आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लिप्त पाए गए। उन्होंने पार्टी में शामिल किया जाता है, बड़े बड़े पद मिलते हैं, उनके आसानी से आधार कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र भी बन जाते हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह मामूली बात नहीं है कि दंगे की हर बड़ी वारदात और आपराधिक घटनाओं के पीछे साजिश से लेकर अपराध करने तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता पाया जाता है, और पुलिस जब जांच करने जाती है तो उनके ऊपर भी कातिलाना हमला होता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का साजिश वाला एक घिनौना चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पुलिस और जांच एजेंसियों कोई इस पूरे मामले की तह तक जाकर कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? सबको पता है कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। CAA, उसके विरोध के समय तरह तरह के अपराधों में लिप्त, और आम आदमी पार्टी का इनसे बहुत प्रेम भाव है, वो उनके पार्टी के लिए काम करते हैं, पदों पे आते हैं, उनको बड़ी आसानी से उनके वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। जरूरत है कि अब इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है कि दिल्ली में जो भी दंगे की घटना हो रही है, बड़ी आपराधिक घटना हो रही है, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का ही पाया जा रहा है। और जब पुलिस जांच करने जाती है तो पुलिस के ऊपर सुनियोजित ढंग से प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह अटैक होते हैं। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का ये जो साजिश वाला चेहरा, घिनौना है, ये उजागर हुआ है, और एजेंसियों को, पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और इन सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए इनके तह तक पहुंचना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।